नमस्कार, मैं हूं रवि केंत्रा, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। केदारनाथ धाम में चलाया गया रेस्क्यू अभियान। वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू अभियान चलाया गया। 11,775 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। SDRF, NDRF, कई बचाव दल लगातार जुटे हुए हैं। अभी भी जो प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर अभियान जारी है, तो सुविधाएं बहाल करने का काम भी दूसरी ओर शुरू कर दिया गया है। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। केदारनाथ घाटी के आसपास जिस तरीके से भारी बारिश ने तबाही मचाई थी, उस बारिश के बाद अब वहां पर लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है। अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर जो यात्री वहां पर फंसे थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। तो MI-17 और चिनूक के माध्यम से यात्रियों को वहां पर रेस्क्यू किया गया है। इसके अलावा जो प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर सर्च अभियान अभी भी जारी है, और साथ ही जिन क्षेत्रों में, चाहे वहाँ पर वैकल्पिक पुलों के टूटने की बात हो, रास्तों के टूटने की बात हो, उनको भी अब ठीक किया जा रहा है। कई जगह पर सेना की मदद ली गई है। सेना की मदद से वहाँ पर पुलों का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया। तो केदारनाथ धाम में रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। यहाँ पर लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी कई जगहों पर जहाँ पर संभावनाएं हैं कि ऐसा हो सकता है, वहाँ पर लगातार अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है, अभियान जारी है। पिछले 5 दिनों में 11,775 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। ये बड़ी संख्या है जिनका रेस्क्यू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मॉनसून सत्र की तिथि घोषित होने के साथ ही सत्र की अवधि को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार सत्र की अवधि को घटाकर सवालों से बचना चाहती है। उत्तराखंड में जब भी विधानसभा का सत्र आहूत हुआ तो सत्र की अवधि को लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर रहा है। इस बार 3 दिवसीय मॉनसून सत्र प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित हो रहा है। विपक्षी दल सरकार पर आरोप लगा रहा है कि सरकार सत्र की अवधि को घटाकर जनता के मुद्दों से बचना चाहती है। मॉनसून सत्र 21, 22, 23 तीन दिनों की तिथि सरकार ने दी है। मेरा ये कहना है कि हमारी विधानसभा नियमा संचालन नियमावली में लिखा गया है कि प्रतिवर्ष 60 दिन सत्र चलना चाहिए, और सत्र ज़्यादा दिन चलने से जनता की ज़्यादा समस्याएं सामने आएंगी, उनका समाधान हो पाएगा। लेकिन सरकार, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सत्र की अवधि को कम कर जनहित के मुद्दों को नहीं सुनना चाहती। इसे साफ साफ स्पष्ट होता है, विधानसभा का सत्र हमारे जैसी भौगोलिक परिस्थिति वाले, हमारे जैसे जो है राजनीतिक पृष्ठी वाले जो राज्य हैं, वो विधानसभा में बजट का सत्र 3 सप्ताह तक चलाते हैं, लेकिन उत्तराखंड की भाजपा की सरकार 3 दिन में बजट सत्र भी समाप्त कर देती है। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापरी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि 3 दिनों में राज्य के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होना और विपक्ष की तरफ से उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होना संभव नहीं है। सरकार जनता के प्रति जवाबदेही से बचने का काम कर रही है। मॉनसून सत्र 3 दिनों तक ही चलना है, जब विधानसभा नियमावली में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सरकार को 1 वर्ष में 60 दिनों तक सत्र चलाना चाहिए। तो फिर सरकार इसमें भाग क्यों रही है? सरकार का हाल ये है कि वो 5 वर्ष में भी 60 दिन सत्र आहूत नहीं करा पा रही है, जिससे सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी जो सोच है वो साफ दिखाई दिखती है कि वो सत्र को कम दिनों का कर बहुत 3 दिन का कर। आप सोचिए कि 1 दिन जो है शोक में चला जाएगा, 2 दिन में क्या पूरे प्रदेश की समस्याएं उठ पाएंगी? इतनी भारी आपदा आई है, भ्रष्टाचार हो रहा है, कानून व्यवस्था लचर है, महंगाई बढ़ रही है, रोजगार नहीं पर मिल पा रहा है, स्वास्थ्य की जो सुविधाएँ बदहाल हैं, शिक्षा की जो है सुविधाएँ बदहाल हैं, तो 2 दिन में सिर्फ 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लग पाएंगे। तो आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्र की अवधि को कम कर उत्तराखंड के विकास विरोधी सोच को प्रदर्शित करती है। हम ये मांग करते हैं कि सत्र को कम से कम 3 सप्ताह तक चला जाए, और बजट सत्र को भी प्रतिवर्ष 3 सप्ताह तक चला जाए, जिससे कि जनहित के मुद्दों को और बजट को और विभागवार बजट को किस तरह बांटा जाना चाहिए, विपक्ष के लोग अपनी पूरी बात रख सकते हैं। विपक्ष कह रहा है कि सरकार बजट सत्र को भी 3 दिनों में ही समाप्त कर देगी, जबकि बजट सत्र अन्य राज्यों की तर्ज पर कम से कम 3 सप्ताह चलना चाहिए, क्योंकि बजट विभागवार पेश किया जाता है। विपक्ष के आरोपों पर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, हम जो भी सत्र करते हैं वो हम बिजनेस के हिसाब से करते हैं। सरकार के पास जो बिजनेस है उसी के हिसाब से सत्र की अवधि तय होती है।
प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, जहां तक विपक्ष की बात है तो विपक्ष के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाएं, हम विपक्ष के सभी मुद्दों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष से एक विनती भी है कि वो हो हल्ला और बेकार की बातों पर समय व्यर्थ ना करें जिस तरह से वो करते हैं। देखिए, जो भी हम लोग विधानसभा सत्र करते हैं वो अपने बिजनेस के आधार पर करते हैं, और हमारे पास जिस तरह से सरकार के पास हमारा बिजनेस है, हम लोगों ने तय किया है। और जहाँ तक विपक्ष की बात है, उनके पास जो मुद्दे हैं तो वो उठाएं, हम तो उनके लिए स्वागत करने को तैयार हैं, उनके मुद्दों का जवाब देने को तैयार हैं। बस उनसे इतनी विनती मैं जरूर करूँगा कि वो हा हुल्ला और बेकार की बातों पे जिस प्रकार से वो लोग अपने उस सत्र का जो महत्वपूर्ण और बहुमूल्य समय होता है उसका भरपूर वो इस्तेमाल करें। नियमानुसार विधानसभा का सत्र एक साल में 60 दिन चलना चाहिए। ऐसे में विधानसभा सत्र की अवधि को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में हर बार सियासी संग्राम जरूर छिड़ता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि राज्य के इतिहास में अब तक सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या भाजपा की, कोई भी उसी अवधि को नहीं छुपाया जो विधानसभा सत्र की अवधि होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। बीजेपी 11 अगस्त से 15 अगस्त तक पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाने की तैयारी में है, लेकिन उसे लेकर उत्तराखंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोपों की राजनीति शुरू हो गई। भाजपा आजादी के महापर्व को हर घर तिरंगा अभियान के साथ मनाने जा रही है। उत्तराखंड प्रदेश मुख्यालय से वर्चुअल बैठक में कार्यक्रम के रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया है। साथ ही हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए सभी विधायकों, सांसदों, जनप्रतिनिधियों से प्रदेश प्रभारी ने आग्रह किया है। हर घर तिरंगा अभियान को उन्होंने सभी विधायकों, सांसदों, प्रतिनिधियों से भी प्राथमिकता से सफल बनाने का आग्रह किया है। 15 अगस्त में हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हमने की है, और हमें जो शीर्ष नेतृत्व से अभी निर्देश मिले हैं वो यही है कि अपने प्रदेश स्तर से लेके बूथ स्तर तक हर घर में तिरंगा फहराया जाए, सबको भेंट किया जाए, और सभी कार्यकर्ताओं को भी निर्देशित किया है कि घर घर तिरंगा का जो अभियान है वो हर घर तक पहुँचाया जाए। यही हमारी मुहिम को साकार करने वाला जो मुख्य कार्य है। युवा मोर्चा को विशेष रूप से इस अभियान के तहत विधानसभा स्तर पर तिरंगा यात्रा का आयोजन करना है, जिसमें बाइक रैली, स्कूटी रैली या पदयात्रा के कार्यक्रम किए जाएंगे। यह यात्रा 11, 12, 13 अगस्त तक संपन्न की जाएगी और 13, 14, 15 अगस्त को राज्य के सभी प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराया जाएगा। अपने प्रदेश स्तर से लेके बूथ स्तर तक हर घर में तिरंगा फहराया जाए, सबको भेंट किया जाए, और सभी कार्यकर्ताओं को भी निर्देशित किया है कि घर घर तिरंगा का जो अभियान है वो हर घर तक पहुंचाया जाए। यही हमारी मुहिम को साकार करने वाला जो मुख्य कार्य है, और इसके निमित्त हम लोग जगह जगह पे हर विधानसभा में, मंडल स्तर पर, सभी स्कूलों में, इंस्टीट्यूशंस में ये कोशिश रहेगी कि वहाँ पे हम तिरंगा यात्रा भी निकाल कर लोगों को एक मैसेज दें और सभी को देश भक्ति के लिए प्रेरित करें। भाजपा के कार्यकर्ता 11 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाने जा रहे हैं। इसी को लेकर कांग्रेस का कहना है, अच्छी बात है अगर भाजपा हर घर तिरंगा अभियान चलाने जा रही है, लेकिन कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि भाजपा के पितृ संगठन ने कई सालों पहले मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया और अब भाजपा हर घर जाकर तिरंगा फहरा रहे हैं तो ये अच्छी बात है। हर घर तिरंगा की बात अगर सरकार कर रही है, भाजपा कर रही है, अच्छी बात है कि आज़ादी के लंबे वर्षों तक इनके पितृ संगठन ने तिरंगे का बहिष्कार किया, अपने मुख्यालय पे तिरंगा नहीं फहराया, और अगर आप अब तिरंगे को फहरा करके गर्व महसूस कर रहे हैं तो अच्छी बात है। प्रवक्ता ने कहा
कि कांग्रेस ने तो आजादी से लेकर आज तक अपने हर अभियान अभी तक तिरंगे के तले ही चलाई है, लेकिन भाजपा को प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर भी ध्यान देना चाहिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड है, बेरोजगार युवाओं की मांग है, पलायन की बात है, वो कानून और मूल निवास की बात है, स्थायी राजधानी गैरसैंण की मांग है, बेटियों की सुरक्षा है, तिरंगा फहराने के साथ इन मुद्दों पर भी ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस तो आजादी की लड़ाई से लेकर के हमेशा तिरंगे के नीचे जो है अपने अभियानों को जारी रखे हुए है। हमारे हर कार्यकर्ता के और मुझे लगता है हर भारतवासी के दिल में, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में है, तिरंगा रचा हुआ है, तिरंगा बसा हुआ है, और तिरंगा ही हमें हर संघर्ष की प्रेरणा भी देता है, और निश्चित तौर पर तिरंगा लहराए और फहराया जाना चाहिए। लेकिन जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो बेरोजगारों की बेरोजगारी है, जो बेटियों की सुरक्षा है, जो पलायन के सवाल हैं, जो भू कानून और मूल निवास के मुद्दे हैं, जो अस्थाई राजधानी के सवाल हैं, वो कब तक हल होंगे, इस पर भी भाजपा को कुछ बोलना चाहिए। उत्तराखंड में बात चाहे कुछ भी हो, लेकिन यहाँ किसी भी मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तू तू मैं की राजनीति आम बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। 60 लाख खर्च कर के नहर तो बना दी, पर उस नहर में पानी भी देना है, शायद ये अधिकारी भूल गए। इसे लापरवाही समझे या फिर भ्रष्टाचार का नया नमूना, ये रिपोर्ट देखिए। नहर निर्माण में धांधली का आरोप, नहर की गुणवत्ता पर भी सवाल। उत्तराखंड में बीजेपी का दावा है कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है, फिर समझ से परे बात यह है कि अगर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है तो फिर भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने में सरकार के हाथ क्यों कांपते हैं? सरकार योजनाएं बनाती है ताकि प्रदेश की जनता को फायदा मिले, योजनाएं धरातल पर उतारती तो है, लेकिन अधिकारी और ठेकेदार खाना पूर्ति कर लाखों करोड़ों डकार जाते हैं और डकार तक नहीं लेते। ऐसे में सवाल है कि क्या सरकार को इसकी जानकारी तक नहीं होती, और अगर नहीं होती तो जिलों में बैठे अधिकारियों को लाखों रुपए का वेतन किस काम के लिए दिया जाता है? हम ये कहेंगे इसमें पानी 60 लाख के बजाय एक बूंद पानी भी नहीं आया यहाँ जरकुंड से, और न कभी आता है, और हमेशा इस नहर पे पैसा खर्चा होता है हर साल। ऐसा कोई साल नहीं जिस साल इसमें नहर पे पैसा खर्चा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर पानी का कहीं नमूना नहीं आता है, कभी नहीं। हम जब भी रोपनी लगाते हैं यहाँ तो भेड़ी खाल अगर पानी बरस गया तो लग जाती है, नहीं तो लगता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और आज तक न किसी ने मुआवजा दिया न कुछ दिया यहाँ, और करोड़ों रुपए इसमें खर्चा हो गई है। अभी 60 लाख रुपए इसमें खर्चा हुई तो यहाँ पानी का बूंद नहीं आया, और कुछ सफाई हुई, सफाई में भी कम से कम 2-3 लाख रुपए खर्चा हुआ, उसमें भी पानी नहीं ला पाए लोग, कुछ नहीं लाए, खाली पैसा दे रही सरकार और पानी का कहीं बूंद नहीं है। बौसाड़ी गाँव में हुआ है नहर का निर्माण, 60 लाख रुपए खर्च, नहीं आया पानी। मामला टिहरी जिले के विकासखंड प्रतापनगर की ग्राम पंचायत बौसाड़ी का है, जहां इस साल बौसाड़ी नहर पर सिंचाई विभाग के अनुसार 60 लाख रुपए खर्च किए गए, लेकिन आज तक उस नहर में एक बूंद पानी तक नहीं आया। फिर 60 लाख रुपए क्यों खर्च किए गए, ये भी एक बड़ा सवाल है, जिसका जवाब मौजूदा वक्त में न कोई अधिकारी देने को तैयार है और न ही कोई ठेकेदार। खाली ठेकेदारी हो रही है और ठेकेदारी के बजाय पानी का एक बूंद नहीं है। तो अभी क्या रोपनी लग पाएगी आपकी इस बार? इस साल रोपनी के लगाने तो कोई मतलब नहीं, सारा धान सूख गया, रोपनी कैसे लगेगी? सारा धान सूख गया है, हम तो धान लेकर के डीएम साहब के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ जाने के लिए तैयार हैं, सब 2 गाड़ियाँ जाने के लिए तैयार है, यहाँ से पूरा गाँव जा रहा है, महिला सारी महिला जा रही है, सारे पुरुष जा रहे हैं। हम तो कब तक ऐसा अन्याय हो रहा, बौसाड़ी वालों के साथ अन्याय हो रहा, हर साल इस नहर पे काम होता है और कभी भी इसमें जो है तो पानी का बूंद नहीं आता है। लोग अपनी कुर्बानी से भेड़ी खाली से जब बढ़ता है पानी तब लाते हैं लोग, नहीं तो नहीं आता है, जरकुल से आते हैं नहीं यहाँ पानी। ठीक है साहब, ऐसा है ना कि जब हम जो है तो यहाँ पर पानी का बूंद नहीं आता है तो ये जो ठेकेदारी चल रही है यहाँ पे, और एक बोलता मेरे को काम दो, दूसरा बोलता मेरे को काम दो, और पानी कोई लाता ही नहीं है, तो ये ठेकेदारी काई के लिए, इसलिए ठेकेदारी को बंद कर दो, और डीएम साहब जो है तो ऐसा काम करें कि हमारे खेतों को देखने के लिए खुद आए, और ये तो हम आ रहे हैं नीचे, पूरी जनता आ रही है यहाँ से, तो हम इस धान को ला रहे हैं वहाँ नीचे टेबल पे रख देंगे, लो साहब ये है। नहर में पानी नहीं, कैसे करें रोपाई,
बारिश का इंतजार कर रहे ग्रामीण। बौसाड़ी गांव के ग्रामीणों का आरोप है कि जब से नहर का निर्माण कार्य हुआ है तब से आज तक इस पर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, पर एक बूंद पानी नहीं पहुंच पाया। ग्रामीण हर वर्ष बारिश का इंतजार करते हैं और बरसात के बाद भेड़ी खाले में पानी बढ़ने पर वे बारिश के पानी से ही देर सवेर रोपाई करते हैं। लिहाजा गांव के लोग कह रहे हैं कि जब इस नहर में पानी नहीं आता था तो फिर 60 लाख रुपए खर्च क्यों किए गए। हम ये लाने ठेका वरना पानी लियो हम उनका भी नहीं देगी नहर भर पानी वो हम ये परेशान कर दान कि हमारे डोगर पानी नहीं उनका भी ना ओन का खान लिया तो भेड़ गा रान लियो ना जब बार खाऊंगी जब गा रो न थरी नहर पानी हम उनके के नहीं हां आ तक और ठेका दे के हद हम के हम ये लाग ठेका बोलता थे लाग ठेका बिजाड़ खत्म हां यो ठेकेदार को और क्या बिजाड़ हमारी खत्म होएगी नहर भी खत्म नहर भी यानू आएंगे जब वाला घेड़ी होता वो भेड़े को पानी भी हाँ चालू बन न थर का थे पानी भी नहीं वो हम तक हो ना वो हमार धनु भी दे वो हम कहीं भी दे हमारे खेती सार पानी रहेगी हाँ वो हम उन अपने धनु एक दिन यानी उपास हुए। विभाग ठेकेदार पर मिली भगत का आरोप, खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं ग्रामीण। गांव के लोग बताते हैं कि ये नहर केवल विभाग और ठेकेदारों के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी साबित हो रही है। इसके अलावा ग्रामीण काश्तकारों को इसका आज तक कोई लाभ नहीं मिल पाया और इस बार इस नहर पर 60 लाख रुपए खर्च होने की बात सुनकर ग्रामीणों को उम्मीद थी कि शायद इस बार उनकी खेती समय पर हो पाएगी और उन्हें पानी मिल पाएगा। लेकिन 60 लाख रुपए खर्च होने के बाद भी ग्राम पंचायत बोसाड़ी के किसान काश्तकार अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जी सिंचाई विभाग की तो ठेकेदारी के साथ यहाँ पे मिली भगत चल रही है, जो कि अभी तक देखा जाए अभी इस सत्र में यहाँ पे 60 लाख रुपए खर्च हुआ है और हर साल इसमें लाखों रुपए खर्च होते हैं। और बौसाड़ी नहर में बौसाड़ी अगर खेतों में देखा जाए तो हेड से कभी टेल तक पानी नहीं पहुँचा है। जो भी हम यहाँ पे रुपाई लगती है तो बारिश के माध्यम से, सावन के महीने में जब बारिश होती उसके माध्यम से लोग रुपाई करते हैं और आज हालत ऐसी हो गई है कि जो लोगों ने यहाँ पे बिजवाड़ निकाल रखी है वो टस की मस सारी सूख चुकी है, उसे हम उपयोग में नहीं कर सकते हैं। और हमारा सिंचाई विभाग से ये वो अनुरोध है कि वो जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके एक दो दिन में यहाँ पर पानी पहुँचाए, नहीं तो पूरी ग्राम सभा धरना प्रदर्शन के लिए तैयार है। बौसाड़ी गाँव के ग्रामीणों ने दी चेतावनी, बीज उखाड़ डीएम कार्यालय पर करेंगे प्रदर्शन। नहर निर्माण के बाद भी नहर में पानी नहीं आने से नाराज गांव के लोगों का कहना है कि यदि एक दो दिन के भीतर नहर पर पानी नहीं पहुंचाया गया या बारिश नहीं होती है तो उनके जो बिजवाड़ हैं वो पूरी तरह से सूख कर नष्ट हो जाएंगे, जिनको उखाड़ कर डीएम ऑफिस में ले जाकर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी सिंचाई विभाग की होगी। खाली ठेकेदारी हो रही है और ठेकेदारी के बजाय पानी का एक बूंद नहीं है। तो अभी क्या रोपनी लग पाएगी आपकी इस बार? इस साल रोपनी के लगाने तो कोई मतलब नहीं, सारा धान सूख गया, रोपनी कैसे लगेगी? सारा धान सूख गया है, हम तो धान लेकर के डीएम साहब के यहाँ मुख्यमंत्री के यहाँ जाने के लिए तैयार हैं, सब दो गाड़ियाँ जाने के लिए तैयार है, यहाँ से पूरा गांव जा रहा है, महिला सारी महिला जा रही है, सारे पुरुष जा रहे हैं। हम तो कब तक ऐसा अन्याय हो रहा, बौसाड़ी वालों के साथ अन्याय हो रहा, हर साल इस नहर पर काम होता है और कभी भी इसमें जो है तो पानी का बूंद नहीं आता है। लोग अपनी कुर्बानी से भेड़ी खाली से जब बढ़ता है पानी तब लाते हैं लोग, नहीं तो नहीं आता है, जरकुल से आते हैं नहीं यहाँ पानी। ठीक है साहब, ऐसा है ना कि जब हम जो है तो यहाँ पर पानी का बूंद नहीं आता है तो ये जो ठेकेदारी चल रही है यहाँ पे, और एक बोलता मेरे को काम दो, दूसरा बोलता मेरे को काम दो और पानी कोई लाता ही नहीं है, तो ये ठेकेदारी काहे के लिए? इसलिए ठेकेदारी को बंद कर दो और डीएम साहब जो है तो ऐसा काम करें कि हमारे खेतों को देखने के लिए खुद आए, और ये तो हम आ रहे हैं नीचे, पूरी जनता आ रही है यहाँ से, तो हम इस धान को ला रहे हैं वहाँ नीचे टेबल पे रख देंगे, लो साहब ये है। नहर निर्माण में आ रही भ्रष्टाचार की बू, सरकार के दावों पर उठ रहे हैं सवाल। अजीब लगता है जिन ग्रामीणों के लिए नहर निर्माण के नाम पर 60 लाख रुपए खर्च किए गए वही ग्रामीण आज धरना प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि नहर में पानी आया ही नहीं और नहर के निर्माण कार्य की गुणवत्ता भी सवालों के घेरे में है। तस्वीरें देखने से पता चलता है कि नहर बनाने के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई, लाखों रुपयों का घोटाला हुआ है, लेकिन हैरानी की बात है कि ग्रामीणों की समस्याओं पर
अब कोई गंभीर नहीं है। गांव के लोग परेशान हैं और जिम्मेदार अधिकारी एसी वाले चैम्बर में बैठकर आराम फरमा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। कहा जाता है कि देवभूमि उत्तराखंड में कई रहस्य छिपे हुए हैं और उन्हीं में से एक है ब्रह्म कमल। आज आपको रूबरू कराते हैं एक ऐसे अद्भुत अलौकिक भव्य और दिव्य पुष्प से जिसे स्वयं देवों के देव ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया था, इसीलिए इसका नाम है ब्रह्म कमल। उत्तराखंड की वादियों में इन दोनों ब्रह्म कमल की महक है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक इस फूल को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया था, क्योंकि जब भगवान शिव ने भूलवश गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया था, तब पुनः भगवान शिव जी को गणेश जी के धड़ पर हाथी का मुख लगाना पड़ा। इसके लिए अमृत की जरूरत थी। इसी समय ब्रह्मा जी ने ब्रह्म कमल को उत्पन्न किया और इस ब्रह्म कमल फूल से उत्पन्न हुआ था अमृत। इसी अमृत से श्री गणेश को पुनः जीवित किया गया था, इसी कारण से इसे ब्रह्म कमल कहा जाता है। शिव जी ने भूलवश गणेश जी का सिर कलम कर दिया था, सिर काट दिया था, तो पुनः हाथी का सिर जब धड़ से लगाना था तो उसमें अमृत की आवश्यकता थी। उस समय ब्रह्मा जी ने ब्रह्म कमल की उत्पत्ति की और इसी ब्रह्म कमल से अमृत पैदा हुआ और इसी अमृत से भगवान गणेश जी को पुनर्जन्म मिला था, तो इसलिए इसका नाम एक ब्रह्म कमल है। ब्रह्म कमल को भगवान ब्रह्मा का रूप माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव ने ब्रह्म कमल से जल छिड़ककर भगवान गणेश को पुनर्जीवित किया था, इसीलिए इस पुष्प को जीवनदायी माना जाता है। कहते हैं कि ब्रह्म कमल के दर्शन मात्र से ही सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। ब्रह्म कमल भारत के उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल और कश्मीर में पाया जाता है। भारत के अलावा ये नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान में भी पाया जाता है। उत्तराखंड में ये गंगोत्री घाटी के उच्च हिमालयी क्षेत्र, खासकर बुग्यालों में पिंडारी, चिपला, रूपकुंड, हेमकुंड, ब्रज गंगा, फूलों की घाटी और केदारनाथ आदि दुर्गम स्थानों में मिलता है। उच्च हिमालय क्षेत्रों में बहुत आयत में पाया जाता है और ये बहुत ही दिव्य है, अलौकिक है और भव्य है और बहुत पवित्र पुष्प माना जाता है। उत्तराखंड राज्य का ये राज्य पुष्प भी है और अभी हमारे उत्तराखंड के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो उच्च हिमालय में जो निवासरत रहते हैं, उन लोगों के तो ये एक मान्यता है, धार्मिक मान्यता है कि अपने अपने गांव में सभी के लोग देवी देवता होते हैं, खासकर सोमेश्वर देवता है जो भगवान शिव का अवतार होते हैं, तो उनकी पूजा होती है, उनके मेले होते हैं। ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम सौसूरिया ओबलाटा है। ये सूरजमुखी परिवार की एक प्रजाति है। इसे आमतौर पर हिमालय का विशालकाय या हिमालय का राजा कहा जाता है। ब्रह्म कमल का पौधा आमतौर पर मानसून के मौसम में खिलता है, जो कि जुलाई और सितंबर के बीच होता है। फूल के खिलने का समय स्थान और ऊंचाई पर निर्भर करता है। ये एक अति दुर्लभ्य, दिव्य, अलौकिक और पवित्र फूल माना जाता है। ये वर्ष में केवल एक बार खिलता है, आमतौर रात में। तो लोग बुग्यालों में जाके करीबन 3 से 4 हजार मीटर की जो हाइट में जो बुग्याले हैं, वहाँ जाते हैं और इस पवित्र फूल को एकत्रित करके लाते हैं और भगवान शिव जी को, भगवान सोमेश्वर देवता को या अपने जितने भी देवी देवता हैं उनको अर्पित करते हैं, उनको समर्पित करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हिमालय की वादियों में एक ऐसा फूल भी है जो 14 साल में एक बार खिलता है और इसका नाम है ब्रह्म कमल। ये फूल 3 हजार मीटर की ऊंचाई पर सिर्फ रात में खिलता है और सुबह होते ही इसका फूल बंद हो जाता है। इस ब्रह्म कमल को जब चाहे तोड़ कर ले आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसे नंदा अष्टमी के समय ही तोड़ा जाता है और इसके तोड़ने के भी सख्त नियम होते हैं, जिसका पालन किया जाना अनिवार्य होता है। ये फूल अगस्त के समय में खिलता है और सितंबर अक्टूबर के समय में इसमें फल बनने लगते हैं। इसका जीवन 5-6 महीने का होता है। तो अगस्त के महीने में जो भी श्रद्धालु मेले में शामिल होते हैं, उनको भगवान का प्रसाद के रूप में इसको वितरित किया जाता है, तो ये बहुत पवित्र माना जाता है ये ब्रह्म कमल। और ये खासकर अपने उत्तराखंड में, हिमालय जो राज्य हैं उसमें, हिमाचल में, अरुणाचल में बहुतायत में पाया जाता है। तो ये ब्रह्म कमल बहुत ही सुंदर है, बहुत ही दिव्य है, बहुत ही अलौकिक है। हिमालय की गोद में और हिमालय की वादियों में 3000 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई पर उगने और पाए जाने वाले फूल ब्रह्म कमल सिर्फ रात में खिलता है और सुबह होते ही इसका फूल बंद हो जाता है। हिमालय में इस दुर्लभ फूल के दीदार करने के लिए दुनिया भर से लोग हिमालय के इस उच्च क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। ब्रह्म कमल को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे उत्तराखंड में ब्रह्म कमल, हिमाचल में दूधा फूल, कश्मीर में गलगल और उत्तर पश्चिमी भारत में बरगन टोडगेस।
ये ब्रह्म कमल हिमालय के गंगोत्री घाट में स्थित बहु यातायात बुग्याल क्षेत्र में बद्रीनाथ, केदारनाथ के साथ ही फूलों की घाटी हेमकुंड साहिब, वासु के ताल, वेदनी बुग्याल, महामदेश्वर, रूपकुंड, तुंगनाथ में भी मिलता है। ब्रह्म कमल अति सुंदर, सुगंधित और दिव्य फूल कहा जाता है। वनस्पति शास्त्र में ब्रह्म कमल की 31 प्रजाति। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहें हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।